सयाहों के लिए खुशखबरी, दुबई हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया, 7 जुलाई से सयाहों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि सयाहों के दाखिले पर आयद पाबंदी 7 जुलाई को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद दुनिया भर से विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से जारी ऐलामिये में बताया गया है कि दुबई में दाखिले के लिए सयाहों को कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा, जबकि एयरपोर्ट पर भी उनका टेस्ट किया जाएगा। मीडिया ऑफिस के मुताबिक अमराती एयरपोर्ट पर 22 जून से ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा, जिसके बाद मकामी शहरियों से और पहले से वीजा रखने वालों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। ऐलामिये में बताया गया है कि दुबई के वज़ीर आज़म और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने फैसलों की तौसीक कर दी है। दुबई की नेशनल एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान डॉक्टर असैफ ने कहा है कि हम अपने शहरियों को उन ममालिक जाने की इजाजत देंगे जहां कोरोना का खतरा कम है। मुत्तहिद अरब अमारात की हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद अफराद की खुशखबरी सुनाई थी कि वो दर्जाबंदी के हिसाब से अपने मुतल्लिका मकामात पर 23 जून से रवाना हो सकेंगे। हुकूमत ने इस हवाले से मखसूस एयरलाइंस के नाम जारी किए थे।